अक्सर हम ट्रेडिंग करते हुए एक प्रॉब्लम का सामना करते हैं, वो होती है हमारी स्टॉक सिलेक्शन। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही स्टॉक सिलेक्शन है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी ट्राई कर रहे हैं तो किस पे ट्राई करेंगे? एक बेस होना चाहिए। व्हाट इज दैट बेस? दैट बेस इज स्टॉक। सही स्टॉक अगर आपके पकड़ में आ जाता है तो उसी के बेस पे आप इंट्राडे कर सकते हैं, उसी के बेस पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सही स्टॉक अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए भी एक परफेक्ट सेटअप होना चाहिए, परफेक्ट स्टॉक को आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपकी वॉचलिस्ट कैसी बनाई जाए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वॉचलिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, वो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली कैसे फिल्टर होंगे, कैसे आपको उसको रिव्यू करना चाहिए, आपको कितने दिन में अपनी स्टॉक वॉच लिस्ट को रिव्यू कर देना चाहिए, आपको चेंज कर देना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल कौशिक। पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट को अपनी सर्विसेज दे रहा हूं और पिछले 5 साल से 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। बहुत ही जल्दी मास्टर क्लासेस अनाउंस होने वाली हैं, तो अगर आप भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हम जैसे ही कोई अनाउंसमेंट करेंगे आपको पर्सनली कॉल करेंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। YouTube का एल्गोरिथम ये कहता है कि जिस भी वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स होती हैं, कमेंट्स होते हैं, वही वीडियोस वो वायरल होती हैं, उनको YouTube बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, ये मेरा हार्डवर्क पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉसेस कहां लगाने चाहिए, टारगेट क्या होगा, होल्डिंग पीरियड इसका क्या हो सकता है, और आपके कुछ क्वेश्चंस बिना पूछे आपसे आपको आंसर करने वाला। तो प्लीज लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमेशा की तरह अपना पेन पेपर उठा लेते हैं और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर में, क्योंकि क्लास है तो व्हाइट बोर्ड होना बहुत जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं, समझ लीजिए। हमेशा से तीन तरह के ट्रेंड रहते हैं, आपको मालूम है। अप ट्रेंड रहता है जहां पे एक स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चलता है, एक डाउन ट्रेंड रहता है जहां पे स्टॉक एक लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए चलता है, और एक मार्केट रहती है हमारी साइडवेज जहां पे स्टॉक चॉपी हो जाता है, फंस जाता है। इसको हम नो ट्रेंड भी कह सकते हैं और इसको हम अप ट्रेंड कह सकते हैं, और इस ट्रेंड को हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड। अब किसी भी ट्रेंड के अंदर में, अब जनरली लोग स्टॉक्स को बाय करके बेचना पसंद करते हैं, तो हम एक ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे जो अप ट्रेंड में होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक साइडवेज है तो उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अप ट्रेंड के स्टॉक में ही आपको स्विंग ट्रेडिंग करने को मिलेगी। तो पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए। आप किसी भी ट्रेंड लाइन की हेल्प से या मूविंग एवरेज की हेल्प से या किसी क्रॉसओवर की हेल्प से अपने ट्रेंड को पता कर सकते हैं, या कहने से कैंडल्स को से आप कंफर्म कर सकते हैं कि उसका ट्रेंड अप है या डाउन है। चार्ट को देखना समझिए, सिंपलिसिटी से जितना चार्ट को देखेंगे उतना चार्ट आपसे बातें करेगा, और चार्ट से जिस दिन बातें होने लग जाएंगी स्टॉक मार्केट से बातें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, पैसा उसका एक बाय प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा। तो गाइस समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होगी। आपने फॉर एग्जांपल आपने यहां पे बॉटम के आसपास में स्टॉक लिया और स्टॉक एक अच्छी खासी रिटर्न दे देता है, तो इसको हम स्विंग कहते हैं। बट स्विंग का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि स्विंग दो दिन में ही आपको रिटर्न आनी चाहिए। स्विंग का ये भी मतलब नहीं है कि आपको 7 दिन में रिटर्न आनी चाहिए। स्विंग का ये भी मतलब नहीं है कि वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेसिकली स्विंग है क्या, छोटे टाइम ड्यूरेशन के अंदर में अच्छा खासा रिटर्न आ जाना, दैट इज कॉल्ड स्विंग। तो हो सकता है वो एक दिन में स्टॉक अगर 5% चल जाए तो दिस इज कॉल्ड स्विंग। अगर एक हफ्ते में 1 वीक में अगर स्टॉक 10% चल जाए तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्विंग, और अगर एक महीने में स्टॉक ने 15% की रिटर्न दे दिया तो दिस इज आल्सो कॉल्ड स्विंग। क्यों? क्योंकि अगर बैंक एफडी में जाएंगे तो पूरे साल में आपको 6% की आरओआई मिलती है, म्यूचुअल फंड्स पूरे साल में आके 12-15% की आरओआई आपको निकाल के देते हैं। बट अगर आप एक अच्छा स्टॉक पकड़ लेते हैं, अगर एक महीने में भी 15-20% की रिटर्न अगर आ जाती है, 2 महीने में भी आती है, तो वो भी स्विंग कहलाएगा। सो नाउ द चॉइस इज योर्स कि आपको 5% चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, और एंड दिस शुड बी इन क्विक टाइम। एक महीना, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, योर ग्रीड, कितना लालच आपके अंदर भरा हुआ है, कूट कूट के कितना पैसा स्टॉक मार्केट से कमाना चाहते हैं। चलो देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग की वॉचलिस्ट कैसे बनाई जाए, क्योंकि असली चीज तो वही है, स्टॉक पकड़ में आ गए तो उसके बाद काम करना आसान हो जाएगा। इसके लिए चलते हैं एक स्पेशल वेबसाइट के ऊपर में और देखते हैं कि वो हमारी क्या हेल्प करती है। इसके लिए हमें चलना होगा आपके पास, जो लिंक आपके सामने आने वाला है वो रहेगा टिकट टेप का। अब टिकट टेप के ऊपर जाइए, गूगल करेंगे, बहुत आसान है गाइस। आपके पास लिंक नहीं भी है, सबसे पहला लिंक आपके पास टिकट टेप का ही आएगा। अब यहां पे आप एक अच्छा स्विंग करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। कंडीशंस क्या हो सकती है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक में आगे बढ़ेंगे। व्हाट वुड बी द कंडीशंस ऑफ स्टॉक सिलेक्शन? कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या होगी, जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। 100 रुपए से कम का अगर स्टॉक है तो हम उसको पेनी कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो 100 रुपए से ऊपर वाले जो स्टॉक्स हैं वो एक अच्छी खासी आपको मूवमेंट देते हैं। तो 100 रुपए से ऊपर कम से कम स्टॉक हो। दूसरा, उसका अगर मार्केट कैप है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 100-200 करोड़ का हो, कम से कम मोर देन 1000 करोड़ के आसपास में हो, एक ठीक ठाक सी कंपनी होनी चाहिए जिसमें आपको स्विंग मिल सकता है। तीसरा, अगर उसकी रिटर्न हम निफ्टी से कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप उसमें 1 मंथ निफ्टी की रिटर्न को आप देख सकते हैं, वो
उससे ज्यादा होनी चाहिए। निफ्टी ने अगर फॉर एग्जांपल 5% परफॉर्म किया है तो स्टॉक ने कहीं 5% से ज्यादा ही होना चाहिए, स्टॉक ने 10-15% के आसपास रिटर्न जरूर दी हो, तो मतलब कुछ फास्ट मूवमेंट है। चौथी चीज, उस स्टॉक के अंदर में इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस मतलब FIIs या DIIs। ये FIIs और DIIs की पोजीशंस को कैसे हम चेक करते हैं, इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमें देखना होगा वॉल्यूम्स को। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग कुछ भी होती है, VOLUME। अब ठीक है ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे। अगर वॉल्यूम कम से कम डेली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है कम से कम 1,00,000 शेयर्स की तो होनी ही चाहिए। अगर 1,000-2,000 शेयर की वॉल्यूम हो रही है तो कोई बड़ा पार्टिसिपेटर नहीं है, उसमें बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है गाइस, क्योंकि बाजार में प्राइस को सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही ला सकते हैं। जब उनकी बड़ी बाइंग आने लगती है तो भाव में मूवमेंट आती है। तो स्विंग इज नथिंग, जस्ट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द बिग वॉल्यूम्स, बिग बाइंग का आफ्टर इफेक्ट ही स्विंग है। तुमको वॉल्यूम को चेक करना होगा, वॉल्यूम ठीक ठाक सी होनी चाहिए। और एक तरह के स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना होगा गाइस, बहुत ही जरूरी है, जिनका डेली सर्किट लगता है। कैसा, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, मतलब 5% का सर्किट लगे जा रहा है, स्टॉक खुल ही नहीं रहा है, ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, या स्टॉक गिरे ही जा रहा है, ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये स्टॉक ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक हो सकते हैं, इन स्टॉक्स में हम ट्रैप हो सकते हैं। चलिए चलते हैं वेबसाइट के ऊपर में, अपना फिल्टर लगाने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनर बनाते हैं, बिल्कुल फ्री स्क्रीनर है गाइस, और आप उसको सेव कर सकते हैं और उस वॉच लिस्ट को अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखिए और उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्क्रीनर बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। ये टिकट टेप की वेबसाइट है गाइस, यहां पे आपको लॉगिन अगर आपने नहीं किया तो प्लीज लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं पहले लॉग आउट करके दिखाता हूं, क्योंकि मैं पहले से इसमें लॉग्ड इन था। अब यहां पे जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के कितने तरीके हैं, चलिए ये स्क्रीन को डिलीट कर देते हैं। चलिए यहां पे आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं, मैंने अपने ज़ीरोधा के आईडी से इसको लॉगिन किया हुआ है। तो ज़ीरोधा का अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज़ीरोधा से आज ही अकाउंट खोल सकते हैं और टिकट टिप को आप एंजॉय कर सकते हैं। या टिकट टिप के इस आइकन पे यहां पे जब जाते हैं तो यहां पे लेफ्ट में आपको एक स्क्रीनर का बटन दिखाई देता है, स्क्रीनर पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहां पे कुछ एनएसटी के बेहतरीन कंपनी 4,330 शेयर के आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये 4,500 के आसपास शेयर थे जिनमें से आपको ट्रेड करना है। अब 4,000 शेयर की स्पेस लिस्ट में से कैसे अपने लिए 10-15-20 शेयर निकालेंगे? आपके पास अगर अपने 15-20 शेयर की लिस्ट है तो आप उसमें हमेशा कोई ना कोई एक अच्छा शेयर आपको स्विंग के लिए मिल ही जाएगा। बट 4,000 शेयर्स को कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे हर शेयर को टेस्ट करेंगे, तो चलिए इसको आसान करते हैं। जैसी कंडीशन हमने बात की थी, सबसे पहली कंडीशन उठा लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन प्राइस, प्राइस कैसा होना चाहिए, मैंने आपसे बात की ये क्लोजिंग प्राइस, प्राइस के ऊपर क्लिक करते हैं। प्राइस 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा 100 रुपए से ऊपर हो, ऊपर में लिमिट आपकी 7,000-8,000-10,000 जहां तक आपको लेके जाना है। बजाज फाइनेंस जैसे शेयर को अगर ऊपर लेके जाना है तो आप 8,000-9,000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, 11,000 कर सकते हैं, जहां तक आपको लगे 11,000 रुपए तक के शेयर्स में आप काम कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया, देखिए जैसे ही हमने स्टॉक की वॉच लिस्ट को 100 रुपए से 11,000 तक की लिस्ट में डाला तो स्टॉक लिस्ट कितनी रहेगी, 1,700। मतलब यहां पे पहले 4,500 शेयर थे, गिर के एकदम 1,700 रह गए। चलिए इसको और कम करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मार्केट कैप, मार्केट कैप की मैंने आपसे बात की थी, ये 0 से है, नहीं हमको कम से कम 1,000 करोड़ की मार्केट कैप वाले शेयर्स चाहिए। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे देखिए 1,400 से गिर के 853। अब अगली चीज क्या थी हमारी, सेक्टर्स में अगर आप चाहें तो सेक्टर्स अपनी पसंद का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन चाहिए, कंज्यूमर कम्युनिकेशन सर्विसेज में चाहिए, कंज्यूमर स्टेपल्स में चाहिए, एनर्जी में से चाहिए, तो जैसे एनर्जी करेंगे तो एनर्जी में से खाली 13 शेयर्स निकल के आएंगे। आप फाइनेंशियल्स भी अगर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल्स करेंगे तो 99 शेयर्स हो जाएंगे, सिर्फ फाइनेंशियल्स करेंगे तो 86 हो जाएंगे। वैसे जनरली आप इस कैटेगरी को छोड़ दीजिए और यहां पे आप स्टॉक यूनिवर्स में से आ जाइए, जिसमें से अगर आप निफ्टी 500 को चूज कर लेते हैं, यहां पे शो टू मोर को करेंगे तो निफ्टी 500 को कीजिए। यहां पे देखिए अब 850 से गिर के कितने लगे, 437 शेयर्स लगे, कहां 4,500 खाली 10% 400 शेयर में से भी शेयर निकालना आसान नहीं है। चलिए इसको और छोटा करते हैं। हमने बात की थी डेली वॉल्यूम्स की, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेली वॉल्यूम्स नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है तो आप ट्रैप हो जाएंगे। तो यहां पे आप एड फिल्टर पे जाएंगे, एड फिल्टर पे जाइए और प्राइस एंड वॉल्यूम के अंदर देखेंगे आप यहां पे डेली वॉल्यूम्स। देखिए बहुत सारी वॉल्यूम्स हैं, आपको डेली वॉल्यूम को टिक करना है। डेली वॉल्यूम हम टिक किया, यहां पे नीचे डेली वॉल्यूम आ गया, यहां पे क्लिक करेंगे। अब डेली वॉल्यूम क्या चाहिए आपको, कम से कम 1,00,000 शेयर्स डेली ट्रेड होते हों, 3-5। जैसे ही टैप प्रेस करेंगे 450 से 343 शेयर्स। अब हमें ऐसे शेयर्स ढूंढने हैं जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब वोलेटाइल हैं, रिटर्न्स अच्छी दे रहे हैं, जो 52 वीक हाई के आसपास है। फिल्टर के पास जाइए, यहां पे देखने की कोशिश करते हैं कौन सा है, कौन सा है। 1 ईयर रिटर्न पे जा सकते हैं, 6 मंथ की रिटर्न पे जा सकते हैं, 1 मंथ, हम 1 महीने की रिटर्न को देख सकते हैं, आप 1 वीक रिटर्न भी देख सकते हैं, 1 मंथ रिटर्न वर्सेज निफ्टी। तो कितनी, तो निफ्टी की रिटर्न के ऊपर कैसा हम बेंचमार्क लगाएंगे, तो यहां पे निफ्टी को उसने कम से कम 5% से लेके
15% तक तो आउटबीट किया हो, मतलब निफ्टी से वो स्टॉक, अगर निफ्टी ने 1% परफॉर्म किया तो इस स्टॉक ने 5% परफॉर्म किया या 15% परफॉर्म किया। अब यहां पे स्टॉक देखिए 450 से गिर के ये स्टॉक लिस्ट रहेगी 54 शेयर्स की, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे छोटा करना है। चलिए इसमें एक फिल्टर और लगाते हैं, देखते हैं ये लिस्ट और छोटी होती है क्या। अब हम देखते हैं कि 52 वीक हाई से वो स्टॉक कितना दूर है, देखिए परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक हाई, डन। और यहां पे इसके ऊपर जाएंगे तो यहां भी हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो अपने 52 वीक हाई से कम 5% से 15-20% तक दूर हो। तो जैसे ही ये हमने क्लिक किया तो यहां पे मेरी स्टॉक लिस्ट आ जाती है 22 स्टॉक्स की। गाइस फ्रॉम 4400 स्टॉक्स वी हैव कम टू अ स्टॉक लिस्ट ऑफ 22 शेयर्स ओनली। मेरे हिसाब से ये आप लिस्ट बना सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग इसी में से बेस्ट मिलेगी। अब हमने 52 वीक हाई के आसपास के स्टॉक्स को क्यों सोचा है, सोच के देखिए गाइस, इंस्टीट्यूशन की बाइंग में ताकत होती है जो स्टॉक का नया हाई बनाती है। कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करता है या नई रैली में चला जाता है वो सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर में, जब उसमें इंस्टीट्यूशंस हो, एफआईज हो, बड़े प्लेयर्स उसमें काम कर रहे हो। तो ऐसे स्टॉक जिनमें बड़े प्लेयर काम कर रहे हैं वो ये हैं। अब यहां पे अगर आप, जैसे आपके सामने ये लास्ट कॉलम है कि कितने परसेंट दूर है, अगर आप इस कॉलम के आसपास स्टिक करने की कोशिश करेंगे तो इसको आप फिल्टर कर सकते हैं और भी एक तरीके से। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, 14% अवे है 52 वीक हाई से। अगर आप इसको अपवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो सिस लिमिटेड 5% दूर है, अदानी टोटल गैस 6% दूर है, रेडिंगटन इंडिया 6% दूर है। जैसे स्टॉक आपको चाहे वैसा कर सकते हैं। ये फाइनल डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं, आप क्रॉसओवर्स पे काम कर रहे हैं, आरएसआई पे काम कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस पे काम कर रहे हैं या प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं, आप अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के हिसाब से इन स्टॉक्स पे वहां पे काम कर सकते हैं। स्ट्रेटजी आपकी, स्टॉक्स भी आपके। अब ये वॉच लिस्ट आपके लिए तैयार है गाइस, इसको आप यहां पे सेव भी कर सकते हैं। आप इसको सेव अगर करेंगे आप इसको नाम दे सकते हैं स्विंग वॉच लिस्ट, आपका जो मन करे वो आप लिखिए। स्विंग वॉच लिस्ट आपकी सेव हो गई है और ये स्टॉक्स को आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लेके जाना होगा, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लेके जाना होगा और आपको जो स्ट्रेटजीज पे लगानी है, देखिए कौन कौन से शेयर्स आपको पसंद आते हैं, किसमें आपको ट्रेड करने में आसानी होती है। एंड गाइज मेरे हिसाब से पर्सनली मैं क्या करता हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट को हर हफ्ते रिफ्रेश करता हूं, देखता हूं कोई नया स्टॉक इसमें से ऐड हो रहा है क्या। हो सकता है किसी स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को अच्छी रिटर्न्स आ गई हो, अब मुझे उस स्टॉक को निकालना हो और मैं किसी और स्टॉक की तलाश में हूं, तो मेरी इस वॉच लिस्ट को हर हफ्ते आप रिफ्रेश कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट आप स्टडी कीजिए, पूरा दिमाग लगाइए, एक एक स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स को देखने की कोशिश कीजिए, प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सीखा है उसको पूरा अप्लाई कर दीजिए। वॉच लिस्ट आपके सामने गाइस, 4500 शेयर में से 22 शेयर वो भी बेहतरीन। यहां पे इसको और भी फिल्टर कर सकते हैं, अगर आपको कोई सेक्टर पसंद है ना, फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट से काम करना चाहते हैं, रियल एस्टेट पे क्लिक करेंगे खाली एक ही स्टॉक आ रहा है, ओवरऑल रियल्टीज। मटेरियल्स पे क्लिक करेंगे तो चार स्टॉक्स हमारे सामने आ रहे हैं, ग्रासिम, हिंडालको, भारत फोर्ज, नेशनल एल्युमिनियम। आपको जैसे काम करना, आप हेल्थ केयर में से निकालना चाहते हैं हेल्थ केयर पे कीजिए, कंडीशन सेम रहेंगी, हेल्थ केयर में से 5 शेयर निकल के आगे। फाइनेंशियल्स पे करना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल्स को सिर्फ टिक करके रखिए, 2 शेयर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। तो जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपका चार्ट पैटर्न, जो आपकी स्ट्रेटजी कह रही है, हाँ इसमें ट्रेड बनता है, ट्रेड लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस अब तो लाइक दबा ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, उसके बाद ही हम डेली मिलेंगे किसी न किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।